हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ऑलरेडी बच गए हैं डेढ़ एंड बहुत लेट से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों को। और दीदी कल दीदी भी आई है, दीदी सुबह चली गई है। एंड चलो आज के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी घर पर क्या हो रहा है वो आप लोगों से शेयर करते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि टाइल्स लेके आए हम लोग, तो आज वो बैठ रहा है वो आप लोग को अभी बैक कैमरा ऑन करके दिखाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड कीप सपोर्टिंग। एंड जाके गिव अवे में पार्टिसिपेट करो। अगर वो आप लोग को नहीं मालूम है, अगर नए व्यूअर्स हो आप लोग, प्लीज़ जाके गिव अवे में पार्टिसिपेट करो एंड एक कमेंट कर देना नीचे, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स न्यू फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है। सो जाके वहाँ पर पार्टिसिपेट करो। नीचे के बाद में शेयर करते, अभी ऊपर जा रहे हैं। यंश क्या कर रहा है देखते हैं, क्योंकि अभी नीचे काम हो रहा है। सो वो लोग जब खाने जाएंगे तब आप लोगों से शेयर कर देंगे। अभी जाके ऊपर दिखाते हैं कि यंश क्या कर रहा है। ये देखो ये तोता है, ये बहुत बुढ़ा हो गया, देखो हंस रहा है। मिठू मिठू, ये चाची लोगों का है, अब हंस रहा है। देखो देखो बहुत खुश हो जाता है। मिठू देखो आ किसका नहीं है। मिठू मिठू मिठू, अले काट ले तुम, कुट्टू कुट्टू कर रहे, कुट्टू कुट्टू ना ही करो, कुट्टू कुट्टू मत करो। चलो अभी हम और यंश कहाँ पे जा रहे हैं? छत में। किस लिए? मिठू मिठू को खाने जाने। दिखाओ दिखाओ क्या है, क्या है दिखाओ। भात चावल। चलो मिठू ऐसे थोड़ी ना देते, हम दे रहे, रुको हम दे रहे, रुको। मम्मी कहाँ से है खांचा का? एक तो दो हमें तो जल्दी दे, उड़ जाए जल्दी, रुको बात हमने बात करो उसके संग बहुत देरी। मिट्टू ए मत दुष्टमी करो, भागो मिट्टू। देखो देखो खुश हो जाते, भाग का भाग का मिट्टू, भाग का भाग का काबो का काबो का नहीं बोल रहा, काबो का हां। ओए भाग का भाग का भाग का भाग का मिट्टू, भाग का काबो का काबो का ना हंस रहा, खिल 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 करके हंस रहा है। देखो हाथ मत दो, हाथ मत दो, काट ले, हम नहीं नहीं काटते। देख हम आदर करे तब देख ना, मुंह खोले तो हम भी आदर करे, देख देख मुंह खोल रहे, मैं आदर करे समझ रहे नहीं करे थे। मिट्टू हम हमें भी आदर कर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आओ आजा। नहीं ये देखो मिट्टू खा ला है, देखो इससे बात करने आ जाओ तो इतने एक्साइटेड होकर बात करते। आओ आओ, ये हम लोग के लैंग्वेज में बोलते हैं काबो का, मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया हमें, जल्दी आ गया। देखो तो पूछ पकड़ के टानूंगी तो चिल्लाएगा नहीं। हां कहीं गो बोलो इसे ये दो ही बोल रहा है, मिट्टू ही और काबो का बस। मिट्टू बी केयरफुल, बी केयरफुल, काट लेगा। मिट्टू 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 के संग खेलना हो गया था, मिट्टू अब पापा खा लो। मिट्टू के संग खाना हो गया, अब हम नीचे जा रहे हैं फ्रेश
फ्रेश होना होना नसीब में है या नहीं नहीं मालूम। ये देखो यंश, यंश क्या देखो, तो शायद आज शाम को ही फ्रेश हो पाएंगे। तो नीचे जा रहा है, अभी यंश लंच करेगा, उसके बाद दिखाते हैं और क्या क्या होता है। तो अभी वो लोग छत में गए हुए हैं एंड ये बदमाशी कर रहा है, ये बदमाशी कर रहा है। अभी मैं बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ कि बीस इनका क्या हाल है, पूरा रिनोवेट हो गया है, दिखाते हैं। एंड बिफोर वाला पिक देंगे एंड आफ्टर वाला पिक आप लोग का भी दिखाते हैं, मतलब वीडियो दिखाते हैं। तो ये सब फैला हुआ है, ये ग्लास था एंड ये देखो नीचे पूरा गंदा है, फिर भी आई विल शो यू। ये देखो बेसिन बैठेगा यहाँ पे एंड ये वाला मिरर भी चेंज होगा, ये तो अजीब लगता है देखने में, एंड ये पूरा मिरर भी चेंज होगा। एंड ये रहा बाथरूम पूरा हालत ख़राब होकर रखा है। ये मेरा मम्मी का सबका चॉइस था, तो भी वीडियो कॉल करके दिखाया था, बहुत सुंदर है, आई एम जस्ट लविंग इट। अभी बहुत कुछ टचअप्स बाकी है, लाइक पतली पतले वो टचअप्स देने हैं, वहाँ पे गैप्स है वो उससे फिल हो जाएंगे एंड उसके बाद फाइनल लुक आप लोगों से शेयर कर देंगे। एंड मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं थोड़ा सो लेती हूँ बिकॉज जो मी है आज के भात एंड मांस लाइक माय फेवरेट मटन खाई हो, तो अभी थोड़ा सा तो नींद लेना ही है, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। नींद होगा या नहीं होगा नहीं मालूम, ऑलरेडी 4:15 हो गया है एंड वो लोग ऊपर गए हैं एंड वो लोग अभी टाइल्स फिर काटेंगे, आवाज़ आएगा तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ये देखो अभी लोग छत में आए हैं, ये शिवली फूल हुआ है। मम्मी क्या बोल रही थी, मम्मी बोलो वही तो क्या, जोर से बोलो ना। ये कौन से देवता है पता नहीं, उनको बहुत पसंद है, खिलते ही पूरा नरम हो जाता, फिर इसमें कुछ भी नहीं रहता, ये अपना आप फिर झड़ जाता है जमीन में। तो अभी हाँ एकदम भाभी भी दिखा रही थी, भाभी पूरा एकदम नरम हो गया, नहीं तो खिला हुआ फूल कितना सुंदर मन ये रहता है ना, ये संग संग भगवान को ये हो जाते हैं। चलो अभी हमें पुदीना लेना है, पुदीना मम्मी पनीर खाएगी इसलिए थोड़ा बहुत है, बहुत सारा था। ये देखो केक टिन का क्या हालत है, केक टिन में पुदीना पेड़। चलो उसने ऐसा जिद किया इसको लाने के लिए, अभी ये यहाँ पे बैठा है बेचारा। देखो हाय मिट्ठू, आज मिट्ठू व्लॉग है, मिट्ठू व्लॉग पूरा दिन मिट्ठू है मिट्ठू। अब वो वहाँ पे उधर पर चला गया, रो रो के लेके आया इसको वहाँ से चाची के घर से, रो रो के इसको लेके आया। देखो अमेजन खेल रहा था, ये देखो गेट खुला हुआ है, निकलता ही नहीं है ये। मेरा बात सुनकर बहुत एक्साइटमेंट, ये देखो 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 एक्साइटमेंट देख रहे हो, एक बार इधर एक बार उधर, एक बार इधर एक बार उधर। एंड आपको अभी फाइनल लुक दिखाते हैं हम लोग के बेसिन के वहाँ का, एंड बेसिन नहीं लगा आप उनको दिखाते हैं एक सेकेंड। सो मैं बोल रही थी कि बेसिन का वहाँ का दिखाएंगे, बेसिकली सब कुछ कंप्लीट हो गया है, बट अभी वो टाइल्स का वो जो सीमेंट होता है वो सूखा नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा कलर भी होगा। एंड इसीलिए मैं आप लोगों को बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ कि अभी की कंडीशन क्या है, मुझ पर अभी कल या फिर परसों के ब्लॉग में आप लोगों को पूरा लुक दिख जाएगा। एंड कंप्लीट हो गया टाइल्स लगाना, वो आप लोग को बैक कैमरा ऑन करके शेयर कर देता है। सो यस, एंड मैंने बहुत दिनों बाद नेल पॉलिश पहना है, दो दिन पहले पहना था, बहुत दिनों बाद मैंने नेल पॉलिश पहना, वरना मेरा नेल्स इतना छोटा कभी रहता नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा नेल्स रहता है मेरा। सो आप लोगों को बैक कैमरा ऑन करके दिखाते हैं। एंड इसका बहुत जन का डाउट था कि इसका प्राइस कितना है एंड ऑल, वो आप लोग इसी ब्लॉग में शेयर कर देंगे, सो देखते रहिए एंड कुछ देर बाद ही आप लोगों को शेयर कर देते हैं। ये देखो मैं दिखाती हूँ सामने जाके, ये देखो ये चेंज होगा, वो भैया आएंगे शायद कल। एंड ये अभी वीक है, मतलब अभी सीमेंट एंड ऑल सूखा नहीं है, पानी वानी देना पड़ता है। सो ये ऐसा है, मैं पीछे से जाकर दिखाती हूँ और एक बार, ये देखो I just love it, yeah। एंड यहाँ पे अभी कपड़े धुल रहे, सो ये रहा। अभी मैं और बाबू ब्लॉग्स खेल रहे थे और मैं और बाबू ने क्या बनाया है वो आप लोगों को बैक कैमरा ऑन करके दिखाते हैं। रुको रुको यार, यस गिर जाएगा, रुको दिखाते हैं एक सेकंड। सो ये देखो यंश और मेरा घर कितना सुंदर है ना, यंश किसने बनाया? ओले बाबा बहुत क्यूटी बेटी है। ये देखो ये क्या है, हम लोगों का घर। हाँ। मैं तुम यहाँ रहना, मैं यहाँ रहूंगी, मम्मी यहाँ रहेगी, सब लोग यहाँ रहेंगे, ठीक है? हाँ। बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। सो बेसिकली इसका प्राइस है अराउंड 60 to 62K थाउजेंड, जो 60-62 थाउजेंड है।
एंड इसके ऊपर 50% मेकिंग चार्जेस ऑफ है, पूरा अमाउंट पे 50% ऑफ नहीं है, मेकिंग चार्जेस। एंड मैंने इसको खरीदा, मतलब मुझे खरीद के दिया है मम्मी ने, पापा ने इसको अंजलि ज्वेलर्स से। एंड अंजलि ज्वेलर्स बोलिए, पीसी चंद बोलिए, सेंको बोलिए, ये सब बड़े बड़े दुकानों में, बड़े बड़े शॉप्स में, ज्वेलरी शॉप्स में मेकिंग चार्जेस बहुत हाई रहता है। मैं बोल रही हूँ मेकिंग चार्जेस इसका था 14,250 या फिर 500, 14,500 ऐसा कुछ था, 15,000 के अंदर ही था इसके मेकिंग चार्जेस। सो मेकिंग चार्जेस के ऊपर 50% ऑफ हुआ है, सो आप लोग कैलकुलेट कर लोगे कितना ऑफ हुआ है। एंड टोटल पड़ा है 50% ऑफ देखे अराउंड 56 टू समथिंग ऐसा कुछ ऑफ पड़ा है, हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ऐसा ही कुछ ऑफ पड़ा है। सो या बहुत जिनको डाउट था, ये है इसका डिज़ाइन, दिस इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ डायमंड एंड ये है गोल्ड का चेन। मैं पहले जो चेन्स पहनती थी, मैंने 3 चेन खरीदे थे, मतलब मम्मी पापा ने खरीद के दिए थे, मैंने नहीं खरीदे थे। तो मुझे वो धनतेरस में ही दिया गया था, वो बहुत पतला था, बट दिस इज़ वेरी क्लियरली विजिबल। सो बहुत जिनका ऐसा डाउट्स होता है, आप लोग कमेंट्स भी करते हैं, सो इवन DMs भी करते हैं, सो मैंने बता दिया। नॉर्मली मैं बता भी नहीं हूँ बिकॉज सोचेंगे मैं ओवर शो ऑफ कर रही हूँ, बट बहुत का डाउट होता है कि जोल में ओ मुझे तो सो डाउट होता है, तो मैंने इसका प्राइस बता दिया। आई लव इट, मैं इसको खोल के रख दूँगी आपको, मैं बर्थडे आई एम थिंकिंग, वरना घर से लैपटॉप चोरी हो जा सकता है, कोई गला भी काट के ले जाएगा 60,000 की चीज़ के लिए। सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल हमारे यहाँ पे, सो इस हाँ घर से लैपटॉप चोरी हो, इसको इतना छोटा सा बच्चा को भी मालूम है कि लैपटॉप चोर चोरी करके ले गया, मतलब इतना छोटा सा बच्चा भी ये सब फेस कर रहा है इस उम्र में। सो सोचो कैसा बोले बाबू ने, नहीं अच्छी नहीं करो, तुम गुड बॉय बनो, गुड बॉय बन के लो, कौन क्या कर ले, तुमको देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग भले लोग हैं ना देखने के लिए। देखो फोन तोड़ के रख दिया, देख रहे हो। मैंने इसको बोला बाबू मेरा बर्थडे आ रहा है क्या दोगे, बोल रहा है कि तुमको बुआ हम तुमको लैपटॉप देंगे, ना लैपटॉप नहीं क्या लैपटॉप लैपटॉप ऐसा कुछ बोल रहा है, लैपटॉप 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 लाई क्या बोलो, वो सोच रहा है, उसे सोच लेने दो। एंड कल से मेरा बर्थडे वीक स्टार्ट हो रहा है, कल बहुत मस्ती होने वाला है पूरा वीक में, फिर पापा का बर्थडे आने वाला है, सबसे ओके के लिए। एंड मेरा किस्मत इतना खराब है, लाइक आई ऑर्डर्ड माई मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगी, मतलब मैं किसी का स्मॉल बिजनेस हैम्पर नहीं करना चाहती हूँ, सो या मैं नाम नहीं बताऊंगी, आई कट दैट क्लिप, आई कट दैट पार्ट। एंड मैंने नेल्स ऑर्डर किया था ऑन 31st, दैट पर्सन टोल्ड मी दैट वो मुझे नेल्स बना के दे देगी, बता रही हूँ 3rd को बनाएगी, 31st को पेमेंट एंड ऑल सब कर दिया गया था, वो नेल्स बनाएगी 3rd को, 4th को मुझे फ़ोटोज़ भेजेगी एंड उसके बाद 5th को डिस्पैच कर देगी। सो मैंने 3rd में उसको मैसेज करके बोला कि आपने कहा था आप नील्स बनाएंगे एंड आई नीड इट बाई 12, बिकॉज मुझे निकलना था एंड मुझे सच्ची में ही निकलना था, बट भाभी का दीदी का डेथ हो गया सो मैं नहीं निकल पाई, बिकॉज ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता ऐसे कि किसी का देहांत हो जाता है एंड हम घूमेंगे, दिस इज़ नॉट डन, बिकॉज वो भी हमारे पार्ट, हमारे फैमिली के पार्ट थी एंड ये पार्ट थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट प्लीज सुनना। एंड या सो उन्होंने मुझे कहा कि शी विल बी ट्रैवलिंग बैक टू होम और समथिंग लाइक दैट, सो मैं पूरा चीज़ नहीं बता रही हूँ, बहुत इश्यूज़ हो गया है ये सब लेके। सो 4th को उन्होंने कहा था मुझे फ़ोटोज़ भेजेगी, 5th को डिस्पैच करेंगी। हाँ बाबू थोड़ा आस्ते करो, हम सबको बोल रहे एक बार इंपॉर्टेंट बात, आस्ते करो थोड़ा, थैंक यू। सो आई टेक्स्टेड हर ऑन 3rd जे प्लीज़ सेंड मी बाई टुमारो, एंड अगर आपका हाफ डन भी हो गया प्लीज़ सेंड मी, बिकॉज आई विल वेयरिंग इट फॉर माई बर्थडे, सो आई वॉज रियली 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 एक्साइटेड एंड शी डिडेंट रिप्लाई मी। सो मैंने वेट किया 3rd का, 4th का भी मैंने वेट किया, आफ्टर दैट आई कॉल्ड हर बिकॉज आई नीडेड इट बाई 12, सो उस टाइम सब कुछ ठीक ही था। सो उसके बाद दिवाली गया ये वो, उन्होंने मुझे कहा कि दिवाली की वजह से वो कुरियर नहीं कर पा रही है एंड एट द एंड बहुत कुछ हो गया है बीच में एंड एक टाइप का फ्रॉड स्कैम कुछ भी समझ लो कि हाँ, उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरा पैसा मार लिया है या पैसा का फ्रॉड कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने रिप्लाई मतलब बहुत अजीब तरीके से बात किया। आई जस्ट टोल्ड हर दैट आपने मुझे बोला है तो यू शुड हैव केप्ट योर वर्ड्स, बट उस उन्होंने नहीं रखा। एनी वेज सो आई ऑर्डर्ड अ नेल्स एंड अगर वो आ जाता है टाइम आई शो यू, आई गिव एवरी डिटेल्स।
सो या पेमेंट एंड लास्ट टाइम भी मैंने वहीं से ऑर्डर किया था. ओके सो वहाँ से ऑर्डर करने के बाद मुझे मिल गया था 9 days के अंदर. सो या 31st हो गया था. सो उनके हस्बैंड ने मेरे से बात की, उनके हस्बैंड ने बोला कि 200 rupees देके मैम आपका पार्सल हम लोग स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर कोई ऐसा डिलीवरी सर्विस है जो स्पीड मतलब जल्दी आ जाता है विद इन 3 days, तो वो भी नहीं आया. उन्होंने ये झूठ भी कहा कि आई नो झूठ है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, या फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया, बट मुझे इतना मालूम है कि सब जब चीज़ डिस्पैच हो जाता है उसका मैसेज आता है, शिपमेंट हो जाता है उसका मैसेज आता है. बिकॉज मैं बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, मुझे ये सब का नॉलेज हो गया है. इवन मैं गिव अवे होस्ट कर रही हूँ तो मुझे पता है कि वो सब का मैसेज भी जाएगा. हाँ ये गिव अवे जो होस्ट कर रही हूँ उसका मैसेज नहीं जा सकता, बट जिस दिन डिलीवरी होगा उसका मैसेज आएगा. बट अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसका मैसेज जाता है. सो वो मैसेज नहीं आया मेरे पास. आई स्टिल वेटेड, आई स्टिल मैंने आज भी उनको मैसेज करके बोला कि प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए अगर आ रहा है. मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका कोई लॉस हो या कुछ भी हो. सो उन्होंने नहीं बताया. सो नहीं मिलने वाला है. मैंने अमेज़न से ऑर्डर कर दिया. दिस इज़ अ लॉन्ग थिंग. 6 minutes हो गया. सो इफ़ यू वॉन्ट आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. सो या अभी यंश खाएगा, डिनर करेगा, जब खाओ रखो. Oh my.